Hey guys, welcome back to my channel. आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कट ऑफ के बारे में, कौन से कोर्स के बारे में बात करें तो वो रहेगा BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप कोर्स करना चाहते हो नीट 2024 देने के बाद तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, हर एक कैटेगरी के बारे में हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा है, जो पिछले साल MBBS के लिए हुआ करता था, आज इसके लिए BDS के लिए मैं आपको ऑल इंडिया कोटा थ्रू ऑल इंडिया कोटा के बारे में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो वेरी करता है स्टेट के ऊपर। तो आज का वीडियो ऑल इंडिया कोटा थ्रू 15% के रहेगा कि कितना कट ऑफ रहेगा। अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस की बात करूं BDS की, तो पहला है MAMC, दूसरा है KGMU, तीसरा है GDC, चौथा है PGI रोहतक वाला, और फिफ्थ कॉलेज है नायर हॉस्पिटल। ये टॉप 5 कॉलेजेस है BDS अगर आपको करना, तो ये बेस्ट कॉलेज रहते हैं। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 410 थ्रू ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा में और कम हो जाएगा आपका स्टेट से। SC के हो तो 470 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 585 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप EWS से हो तो 590 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 600 होने चाहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो।